पंचायत चुनाव में शराब पर पुलिस ने पाबंदी लगाई तो गांजा तस्करी बढ़ गई। हरियाणा से ग्वालियर लेकर जा रहे करीब 2 लाख रुपए के गांजे के साथ पुलिस ने घेराबंदी कर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आगरा की ओर से गांजा बड़ी खेप ग्वालियर सप्लाई होने जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। उसी दौरान हाईवे पर एक ट्रक बड़ा गाँव भूमिया पहाड़ी के पास आकर रुका, उसमें 3 युवक निकले। पुलिस ने ट्रक से उतरे 3 युवकों को संदेह के आधार पर निगरानी में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से 3 बैग में 11 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। इस गांजे की कीमत बाजार में 2,76,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने तस्करों से 13 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित 27,000 रुपए नगद बरामद किए। पूछताछ करने पर तस्करों ने अपना नाम वसीम खान, सलीम खान व अय्याश खान निवासी पलवल हरियाणा बताया। तस्करों ने बताया कि वह हरियाणा से गांजा लेकर ग्वालियर सप्लाई करने आए थे। वहीं पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।